हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मैं अभी जस्ट उठी हूँ, मैंने अपना फेस भी वॉश नहीं किया और यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी है और बाहर मस्त वाला मौसम हो रहा है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में। अभी डोरा, सौम्या वगैरह सो रहे हैं और आज हमारे घर कोई मेहमान आया है छोटा सा, उसको हम दिखाएंगे। छोटा सा नहीं, वो छोटा सा मेहमान बहुत बड़ा हो गया है, तो मैं बाद में दिखाऊंगी आपको। पहले मैं चाय में जो है चाय पत्ती रख देती हूँ, मैंने इधर चाय रखती है, फिर उधर मैं जो है अपना फेस वॉश करूंगी और ब्रश करूंगी, उसके बाद हम मस्त बाहर ड्राइंग रूम में बैठ के चाय पियेंगे। तो अब दिखाती हूँ आपको बाहर का वेदर। ये वाला कमरा हमारा बहुत ज्यादा मैस हो रहा है क्योंकि हम लोग कल मम्मी के यहाँ से आए थे और मेरे हस्बैंड चेक कर रहे हैं अपना वेट, जो कि बहुत बढ़ चुका है। कितना हो गया दिख भी नहीं रहा है, धूल जम गई उसमें भी। 73 हो गया वेट, है ना। और मैं अपने हस्बैंड को दिखाना तो नहीं चाहती आपको क्योंकि वो हमेशा बनियान में रहते हैं, क्या करूं मैं। लेकिन वैसे ये जब टी शर्ट वगैरह डालते हैं ना, स्मार्ट भी लगता है, ऐसी बात नहीं है। तो मिस्टर विमल रावत यहाँ पे कर रहे हैं एक्सरसाइज योगा। और बाहर का वेदर आप देख सकते हैं कितना मस्त हो रहा है, देखो कितना मौसम हो रहा है। बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये तुमने अभी रखा है क्या स्टूल? आहा, अच्छा लग रहा है। ये देखो अब वो हमारे मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ बाहर बालकनी में, यहाँ पे टेबल लगा दिया और चाय भी मैं सोच रही हूँ मैं यहीं पे पीऊँ। और ये है वो छोटा मेहमान जो बड़ा हो चुका है। इधर आ, इधर आ, इधर आ, आजा भाई जल्दी आ, आजा, या फिर तू भी एक्सरसाइज कर रहे। ये देखो इसकी नौटंकी। अच्छा किस लिए आया तुझे? काम के लिए लाया ना, मस्ती के लिए थोड़ा ना लाया कोई। क्या चीज पीने का? क्या पीता है? क्या पीता है फिर? पानी पीता है। ठीक है, तुझे पानी पे रखूंगी। ठीक है, तुझे पानी पे रखूंगी। पहले जो बोलता है वही होता है, वही मिलता है, चेंज नहीं होता, समझ गए? चलो ठीक है, पहले तो खाने में थोड़ी ना बोला, खाने में पिज्जा ला। पिज्जा ठीक है, दे देंगे तुझे पिज्जा। रोटी, रोटी को पिज्जा स्टाइल में देते हैं हम लोग। पानी तो मैं पिज्जा चाहिए ना, रोटी को पिज्जा स्टाइल में देते हैं हम। नहीं नहीं वो नहीं, रोटी के ऊपर सब्जी और उसको कट। हाँ, तूने ये नहीं बोला कौन सा पिज्जा, तूने ये तो नहीं बोला कौन सा पिज्जा खाना। ठीक है, डाल देंगे रेड कलर जो फूड कलर कोल्ड ड्रिंक वाला। ठीक है, फूड कलर नहीं। ब्रश किया तूने? अभी मैं कुछ खाऊंगा। ब्रश नहीं करता एक्चुअली, वो लेयर जो होती है ना दोस्तों, वो जो लेयर्स होती है ना गंदी सी, वो ऐसी इसकी जाती रहती खाने में। लड़का ब्रश नहीं करता, ब्रश करता ही नहीं। देखो मैं लाया ही नहीं। बहुत चेपू लड़का है, हमारे पीछे चेप हो जाता है और यहीं पहुंच जाते हैं। आ गया, छुट्टियां पड़ती नहीं है कि चेप होके आ जाएगा हमारे पीछे। जबरदस्ती आपके थोड़ी ना। अच्छा, चाचा मेरे घर में रहते हैं यहाँ पे? ए, जीन में दो रे। अच्छा, पहले पूछ ले। पता होता होता है, पता होता नहीं होता ना, मत बोल अगर, समझ गया। बोलू अब मस्त हो रहा है। भयानक तूफान को, तूफान क्या हुआ? ब्रश भी नहीं लाया ये, सोच दी सुमो, ब्रश भी नहीं लाया ये। बिना ब्रश के रहेगा ये? तो रो, सो रही, भटक रही है इधर से उधर। तकिए लगा रखे? तकिए तो लगा रखे। चलो भाई, आपको देख के दोबारा सो जाएगी। मैं ले आई चाय। सुमो को भी उठा लिया इसने। सुमो नहीं, वो खुद वो तो राहुल और सौम्या को मैंने ब्रेड और मैं कह रही ब्रेड और ऑमलेट, ब्रेड और एग्स लेने के लिए भेजा। वो दोनों चले गए। देखो कितनी तेज हवा चल रही है, क्योंकि आज मन हो रहा है ब्रेड ऑमलेट खाने का, इसलिए हम लोग। तो ये रहा ब्रेड ऑमलेट और साथ में ये रही गर्मा गर्म चाय। सौम्या खा रही है, डोरा भी रही है। डोरा को दिखाओ, हट दिखाओ उसको, डोरा मेरी मत
बना वीडियो कितने चिल्ला रही है सो जा चिल्ला दो ना वो अपने आप चिल वो सोएगी अभी सोम का पेन ना ले अभी सोमे गिर गई थी नाली में नाली में पैर गया ओए छी आगे छी नहीं सोमे नहा चुके हैं सोमे ने आज हेयर वॉश नहीं किया क्योंकि कल कर रहे थे और सोमे के अभी बाल बनाने हैं अभी जो है मैं बस ये कमरा समेट रही हूँ सही वगैरह लगा रही हूँ कपड़े क्या हुआ बाबू मैं यहाँ पे कपड़े तय लगा रही हूँ और उसके बाद जो है मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी क्लीनिंग करूंगी और सौम्या के पापा उस कमरे में काम कर रहे हैं अपना वर्क फ्रॉम होम है उनका आज क्योंकि आज मौसम कुछ ऐसा था तो इसलिए वर्क फ्रॉम होम ले लिया था दो पकौड़े ठीक हो गए उसके हाँ तो अभी थोड़े हैं देखो ना बना रही है दाल किस चीज की दाल बना रहे हो मम्मी आज हाय बोल दो बहुत दिनों बाद जो है हम आज सास वो फिर से उसमें आ रहे हैं वीडियो में हाय बोल दो से हाय गाइस मम्मी जो है ना दिन का खाना बनाती है और बहुत टेस्टी बनाती है दाल और मम्मी बोल रही है कि मैं दाल खा के बहुत बोर होगी तो फिर आप बताओ कि क्या बनाए आप लोग क्या बनाते हो आप मुझे कमेंट में बताना कि आप लोग क्या बनाते हो दिन में क्योंकि हमारे घर में ज्यादातर दाल बनती है और एक तू नहा ले यार और हमारे यहाँ पे एक लस्सी बेचने के लिए आते थे अंकल और वो भी नहीं आ रहे काफी टाइम से एक ही आते हैं ना यहाँ पे क्या वो ठीक नहीं हुए क्या अभी तो क्या मतलब ठीक नहीं हुए ठीक तो हुए पर उसको लस्सी नहीं मिली अब ना बहुत दिन से बंद पड़ी तो जो है ना वो बड़ी टेस्टी मम्मी जो है ना कड़ी बड़ी टेस्टी मैंने आपको पहले भी बताया था ब्लॉग में कि मम्मी बहुत टेस्टी बनाती है तो क्या कहते हो आ नहीं रहे काफी टाइम से और मम्मी ने एक दिन बनाई भी थी उसकी बनाई थी ना दही की पर मजा नहीं आया ना उसमें जो मजा उसमें है वो नहीं है तो अभी जो है राहुल नहाने के लिए गया है और सौम्या नहा चुकी है बस उसके बाल बनाने हैं और मैंने जो है बर्तन वगैरह कर लिए झाड़ू पोछा हो गया डोरा शायद आज नहीं नहलाया उसको क्योंकि मौसम जो है ठंडा हो रहा है और कल वो नहाई हुई है तो आज जो है थोड़ा ठंडा मौसम है उसको जुकाम वगैरह भी हो रहा है तो इसलिए मैं उसको सोच रही हूँ स्किप कर दूँ और आज हमने ब्रेकफास्ट में खाए थे आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्स रखे हुए हैं और ये और मैंने आपको ब्रेकफास्ट दिखाया भी था ऑमलेट और ब्रेड तो यहाँ पे जो है तड़का मम्मी लगा रही है और उबाल दिया डोरा के लिए निकाल लिया अपने अलग से वो तो वैसे भी खा ले रही है कल वहाँ पे मिर्ची वाला था ना खा ले रही थी उसको भी तो वैसे बच्चों को तो अभी इतना ज़्यादा तीखा नहीं देना चाहिए तो इसलिए हम उसके लिए अलग से निकाल देते हैं और मैं अभी नहाने जाऊँगी तो चलिए देखते हैं आगे कैसा दिन जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डोरा उठ चुकी है और डोरा क्या कर रही है हेलो बोलो डोरा बोल दो हेलो 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 एवरीवन मैं अपना फेस आपको दिखाना नहीं चाहती क्योंकि मैं नहा ही नहीं हूँ और मेरे बाल भी बहुत फ्रिजी हो रहे हैं सौम्या के भी बाल बहुत फ्रिजी हो रहे हैं उसके जो है मैं थोड़ा सा चुटिया वगैरह बनाऊंगी और डोरा भी उठ गई यहाँ पे डोरा जो है बनाने नहीं देती उसके बाल क्योंकि ये मैडम जी उठ चुकी है ना उठ चुकी हो ना तो अभी राहुल नहाने गया राहुल नहा के आएगा तो वो डोरा को पकड़ेगा और फिर मैं उसके बाद सौम्य की वो चुटिया बनाऊंगी और फिर उसके बाद मैं नहाने के लिए जाऊंगी और टाइम 12:30 हो चुके हैं तो इस तरीके से हमारा काम चल रहा है अभी मुझे बेडशीट भी बदलनी है उस रूम में तो ये देखिए मैंने जो है बेडशीट बिछा दी है सब कुछ सफाई वगैरह होगी मेरी और अब मुझे जो है नहाने जाना है सारा काम हो गया है और अब मैं नहाने जा रही हूँ और नहाने जाने से पहले मैं इस ब्लॉग का एंड यहीं पे करने वाली हूँ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर